खा के गुजिया, पी के भांग, लगा के थोड़ा थोड़ा सा रंग, बजा के ढोलक और मृदंग, खेले होली हम तेरे संग। तो दोस्तों, आज की रेसिपी तो आप समझ ही गए होंगे। तो आज की रेसिपी जुड़ी है होली के साथ, तो सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट, और हम बनाएंगे आपके साथ एक ऐसी मजेदार सी रेसिपी जो आप इस होली में बना सकते हैं। The Taste of India Podcast, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की रेसिपी जुड़ी है होली से। जी हाँ, और ये रेसिपी ऐसी रेसिपी है जो अक्सर हर किसी को पता है कि होली में इस रेसिपी को बहुत ही ज्यादा बनाया जाता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि आज की रेसिपी क्या हो सकती है? दिलीप, आप गेस कर सकते हो? मैं तो गेस कर सकता हूँ क्योंकि आपको पता है और आपने तो पी भी लिया है। सही बात है। और पूजा, हम अगर कुछ समय पीछे जाकर के अगर सोचें, बचपन में जब, मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटा हुआ करता था तब ये एक ब्रांडेड बॉटल में मिला करता था, और वो बॉटल इतना सुंदर हुआ करता था। उस ब्रांड का नाम होता था गुरुजी, और वो बॉटल इतना सुंदर होता था कि वो जब आता था वो बॉटल बन जाता था, उसके बाद उस बॉटल को हम संभाल के रखा करते थे क्योंकि वो उतना ज्यादा सुंदर था, और उसके अंदर भरी हुई जो चीज है उसका टेस्ट तो क्या ही बोलूं। हम वेट करते थे होली में ताकि हम वो पी सकें, और वो क्या चीज था? ठंडाई। पर दिलीप, आई एम श्योर कि मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि उस ठंडाई में और आपने जो अभी मैंने ये ठंडाई बनाया, क्या उसमें आपको कोई फर्क पता चला? फर्क तो है, क्योंकि हमने जब घर पे बनाया तो हमें पता है क्या इंग्रेडिएंट्स था, और वो इंग्रेडिएंट्स काफी रिच थे क्योंकि हमने उसका अच्छे से इस्तेमाल किया उसमें। Exactly. अनलाइक ऑल ऑफ दोस बॉटल्ड जो ठंडाई मिलता था हमें, जिसमें उन लोग कंजूसी के साथ में यूज करते होंगे वो सारे वगैरह। और तो और आपको मैं आपको बता दूं कि जनरली लोग जब ठंडाई इवन घर पर भी बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, और इनफैक्ट मार्केट में जो मिलता है उसमें जब आप नट्स वगैरह जब हम पीसते हैं, राइट, तो कई लोग क्या करते हैं कि उसे स्ट्रेन करके उसके जो चंक्स हैं वो निकाल देते हैं। जबकि मैंने यहाँ पर बिल्कुल वो नहीं, वैसा नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसका एक रिच जो फ्लेवर आता है वो पूरी तरीके से जो है ठंडई में आए। और तो और आप जब स्ट्रेन कर देते हो तो क्या होता है कि उसमें जो चंक्स होते हैं वो आप एक तरह से वेस्ट कर रहे हो, राइट, उसका इस्तेमाल तो आप करोगे नहीं, तो इट्स लाइक वेस्ट। तो राधा देन उसको स्ट्रेन करके फेंकने की बजाय अगर आप उसको इसमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो, यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जब ठंडई बनाएंगे, मैं अभी आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ, इस ठंडई को बनाने के लिए आपको एक पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत होगी जिसमें कि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए इसका पेस्ट। अच्छे से ग्राइंड होने का मतलब है जो सारे नट्स हम यहाँ पर सीड्स यूज़ करेंगे वो बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे, तो ये ठंडे का मजा ही कुछ और होगा। That is right. और ये ठंडाई पीकर मेरे को वो बचपन का जो होली है वो वाला फील आ गया थोड़ी देर के लिए, और मैं वाकई में अपने बचपन में चला गया जिस तरीके से हम खेला करते थे। राइट तो दोस्तों, इस होली में ठंडाई बनाइए और अपने बच्चों को वो एक्सपीरियंस दीजिए जो हम बचपन में होली खेलते वक्त एक्सपीरियंस किया करते थे, वो रंग, वो पानी, उनको उस सेलिब्रेशन का मतलब समझाइए और उनके साथ खेलिए, उनको खेलने से रोकिए मत। तो हम यही चाहेंगे कि आप ये होली उनके साथ में धूमधाम से मनाएं और ठंडाई बनाएं और अपने घर में सब लोगों को पिलाएं, पर इसमें भांग ना जोड़ें क्योंकि हम ये सिंपल ठंडाई बना रहे हैं, हम भांग वाला ठंडाई
नहीं बना रहे, भांग वाला ठंडाई नहीं बना रहे, राइट। और दोस्तों दिलीप ने बिल्कुल सही कहा कि आजकल की डेट में क्योंकि हर लोग वैसे ही मतलब अलग अलग से हो गए हैं, लोगों ने खेलना बंद कर दिया है, बट ऐसे में क्या हो रहा है कि हम अपने अगले जनरेशन के लिए जो है हम बिल्कुल ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हमें कम से कम कुछ नहीं तो आस पड़ोस में, या फिर अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट के लोगों को बुलाएं, रंग लगाएं, और कम से कम कुछ नहीं तो अपने घरों में जो है आपकी नानी दादी इन ये लोग जो उस टाइम पर जो रेसिपीज़ बनाया करते थे ट्रेडिशनली, कम से कम उन रेसिपीज़ को बनाएं ताकि बच्चों को भी पता हो कि हर फेस्टिवल में किस तरीके से डिफरेंट तरीके की रेसिपीज बनाए जाते हैं। हर फेस्टिवल एक अलग रेसिपी से जुड़ा होता है, तो इसी तरीके से ठंडई जो है ये होली से जुड़ी हुई एक रेसिपी है। और आप टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट इसी तरीके से सुनते रहें, आने वाले पॉडकास्ट में हम आपको एक और होली रेसिपीज के साथ आपके साथ लेकर आएंगे और आप इस बार होली का अच्छे तरीके से मजा उठा पाएंगे। सही बात है, तो बातें तो बहुत हो गई, तो अब चलते हैं देखते हैं आज की रेसिपी ठंडाई बनती कैसे है और उसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत है। बट बिफोर वी लुक एट द इंग्रेडिएंट्स, अ क्विक वर्ड फॉर आवर पार्टनर। द आर्ट ऑफ बीइंग अ मम इज द पॉडकास्ट वेयर वी हियर फ्रॉम मदर्स हु आर आर्टिस्ट्स एंड क्रिएटर्स शेयरिंग देयर जॉयज एंड इश्यूज अराउंड ट्राइंग टू बी अ मदर एंड कंटिन्यू टू मेक आर्ट। Regular topics include mum guilt, identity, the day-to-day juggle, mental health, the pros and cons, and everything in between. Mothers from all kinds of art backgrounds and from all around the world. Episodes out each Friday. Find us wherever you get your podcasts. Now let us quickly look at the ingredients for today's recipe. तो दोस्तों ठंडाई बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 1 लीटर दूध, फुल फैट दूध ले लें। उसके बाद हमें चाहिए होंगे शुगर जो कि हमें स्वाद अनुसार डालना है। 1/4 कप मैंने यहाँ पर यूज़ किया है कैश्यू नट, 1/4 कप बादाम यूज़ किया हुआ है, 1/4 कप पिस्ता यूज़ किया हुआ है, 10 पीस जो है हमने इलायची लिया हुआ है, 10 पीस पेपरकॉर्न यानी कि काली मिर्च लिया हुआ है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मगज यानी कि वाटरमेलन सीड्स, 1.5 टेबलस्पून जो है फेनल सीड्स यानी कि सौंफ, 2 टेबलस्पून जो है खसखस यूज़ किया है, 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर दालचीनी का पाउडर यूज़ किया है, 1 टेबलस्पून जो है मैंने यहाँ पर ड्राई जो रोज पेटल मिलते हैं वो यूज़ किया है, थोड़ा सा सैफ्रन यूज़ किया है और थोड़ा पानी और कुछ आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स जो है ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मैंने जो जो चीज़ का नाम लिया है इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट रोज पेटल को छोड़कर इन सारी चीज़ों को सोक करके रखना है। आप चाहे तो इसे रात में ही सोक कर दें और सुबह इसका इस्तेमाल करें, पर आपके पास अगर समय नहीं है ज़्यादा तो आप एक काम कर सकते हैं कि गर्म पानी में इन सारी चीज़ों को अलग अलग सोक करके रख दें तकरीबन 1 घंटे के लिए, उसके बाद आप इसे पीस सकते हैं। सो द इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस रेसिपी आर 1 लीटर full fat milk, sugar to taste, cashew nuts about 1/4 cup soaked, almonds 1/4 cup soaked, pista 1/4 cup soaked, cardamom about 10 pieces soaked, peppercorn 10 pieces soaked, 2 tablespoon watermelon seeds soaked, 1.5 tablespoon fennel seeds soaked, and 2 tablespoon poppy seeds or khaskhas soaked. We'll need 1/2 teaspoon cinnamon powder, 1 tablespoon rose petals, a generous pinch of saffron, you can soak that as well, and a dash of water and some ice cubes. Ice cubes are completely optional. If you don't want to use it, you can avoid that. तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। ये रेसिपी जितना सुनने में लगता है कि बहुत मुश्किल होगा उतना ही आसान रेसिपी है, और आप इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने जो सोक किया हुआ सारा आइटम है उन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में डाल देंगे। कई बार लोग जो है बादाम को छील कर डालते हैं, बट मैंने यहाँ पर बादाम को छीला नहीं है। एनी विच वेज वो आप ग्राइंड करने वाले हैं तो आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि इसे छील कर यूज़ करें तो आप उसे छील कर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ब्लेंडर में मिक्सी में मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, काली मिर्च, खसखस,
सौंफ, मगज, दालचीनी पाउडर, सैफरन और साथ ही साथ थोड़ा सा आप गरम दूध 2-3 टेबलस्पून या फिर नॉर्मल पानी जो है डाल सकते हैं और इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। उसके बाद इसे साइड रख दें और एक पैन में जो है दूध जो है हम गरम करेंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तो उसमें आपको डालना है शक्कर। शक्कर डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि वो शक्कर अच्छे से घुल ना जाए दूध के अंदर। उसके बाद हम डालेंगे जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है उसे, और उसके बाद हमें इसे पकाना है तकरीबन 2-3 मिनट तक चलाते हुए। और उसके बाद हो गया आपका ठंडई तैयार। इसे आप पोर कर दें एक जार में ठंडा करने के बाद और उसे आप रेफ्रिजरेट कर दें, यानी कि फ्रिज में रख दें, और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तब इसे आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर आप गार्निश कर सकते हैं पिस्ता से, रोज पेटल से या फिर थोड़े से सैफरन से। तो इस तरीके से आपका ठंडई तैयार हो जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि सैफरन का जो इस्तेमाल है आपके घर में, कई बार लोगों के घर में सैफरन नहीं अवेलेबल होता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप एक छोटा सा पिंच जो है हल्दी का यूज कर सकते हैं कलर लाने के लिए। सो क्विक लुक एट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन व्हिच इज वेरी सिंपल। यू विल हैव टू ब्लेंड टुगेदर द कैश्यू नट्स, आलमंड, पिस्ता, कार्डमम, पेपरकॉर्न, पॉपी सीड्स, फेनल सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सिनेमन पाउडर एंड द सैफरन along with 2-3 tablespoons of warm milk or water into a smooth paste. Once it is blended, set it aside and then boil milk in a deep non-stick pan. Once the milk is boiled, add sugar to the boiling milk and mix it till it melts. Then add the ground paste and mix and cook for 2-3 minutes. Then pour into a jar once it is cooled down and then refrigerate it. Once it is refrigerated for a few hours, serve it cold by garnishing it with some pista and rose petals and you can serve your cold thandai. Dosto, thandai ko aap आइस डाल के सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे चाहें तो वैसे भी पी सकते हैं। और इसको अगर आपको गर्मा गर्म पीना है तो एक वो भी आप कर सकते हैं, हॉट ठंडी का मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी मैं कि पॉपी सीड्स भी जो है दोस्तों कई बार कई जगह पर नहीं मिलता है। तो जनरली जो पॉपी सीड्स का इस्तेमाल होता है वो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो एक क्रीमी टेक्सचर आए ठंडई में। कोई भी रेसिपीज आप जब बनाते हैं और उसमें पॉपी सीड्स यूज़ करते हैं तो वो एक क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए। तो यहाँ पर अगर पॉपी सीड्स नहीं है तो आप यहाँ पर एनी विच कैश्यू नट्स में इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप कैश्यू नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, फिर भी आप ठंडई बना सकते हैं। दैट्स राइट एंड आई होप यू एंजॉयड दिस रेसिपी एंड यू आर गोइंग टू मेक दिस रेसिपी दिस होली एंड सेलिब्रेट दिस होली विद योर फैमिली एंड योर नेबर्स एंड शो योर चिल्ड्रन हाउ होली इज actually celebrated. राइट तो दोस्तों आने वाले हफ्ते में मैं एक और रेसिपी लेकर आ रही हूँ और वो भी है बहुत ही फेमस रेसिपी होली से जुड़ी। तब तक के लिए आप सोचते रहिए कि वो रेसिपी क्या है, हम बहुत ही जल्द पेश होंगे आपके सामने। एंड टिल देन डू विजिट द tasteofindia.com वेर यू विल फाइंड अ प्रिंटेबल रेसिपी कार्ड फॉर दिस रेसिपी एंड ऑल्सो द स्टेप बाई स्टेप इंस्ट्रक्शंस इन देयर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पोस्ट दोस क्वेश्चंस देयर एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू देम। You can listen to the Taste of India podcast on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn Radio, Amazon Prime Music, JioSaavn, Spotify, Gaana. We are available on the OTT platform Epic On and also on Saregama Karma on station ID 208. So give it a listen on whatever platform you are listening to the podcast on. And take a few seconds out and do give us a genuine rating and a review because that helps in the overall ranking of this show. That is all that we have for this week. Don't forget to visit thetastesofindia.com and download the printable recipe card. There you'll also be able to download a free cookbook with 10 tasty fast food recipes for your kids. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Tastes of India podcast. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.